में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले ईडी की ओर से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को महादेव वोटिंग ऐप की तरफ से 500 करोड़ की रकम दी गई है। और इस खबर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और अवैध सट्टेबाजी ऐप के जरिए भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी कांग्रेस को घेरने में जुटे रहे तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साफ बीजेपी को इस मामले में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बल्कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास है। मैंने पहले भी कहा है कि वे भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, लेकिन दोष विपक्ष को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने ही महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले की जांच शुरू की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया। बघेल के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। खड़गे ने कहा कि उनका काम ही लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है। छत्तीसगढ़ में कोई डरने वाले वोटर और नेता नहीं है। आज वो लोग जो कर रहे हैं, कल वे इसका भुगतान करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं कल वो भी लोग इसका भुगतान करेंगे।